में जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए तो हम भी उसके साथ मर गए। अब हम मर गए, जैसे पौलुस कहता है जीवित न रहा मसीह में। अगर आप मर गए तो शैतान का, बीमारी का, दुष्ट आत्मा का, किसी भी चीज का कैसे आपके ऊपर प्रभाव रहे। गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय दो की 17 से पढ़ते हैं। नोट करो, गलातियों की पत्री 2:17 लिखा, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेविक है? कदापि नहीं। ध्यान से इन चीजों को समझो। लिखा, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेविक है? कहता, कदापि नहीं। हम धर्मी ठहरना चाहते हैं ना, पर निकले क्या? पापी क्या निकले? जैसे कुछ लोग तो जानते नहीं है, अब तो खुद अपने आप को पापी बोल रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? पर कुछ लोग सच्चाई को जानने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। 18 में लिखा, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसको फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित। ध्यान से इस वचन को समझो। कहता, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जैसे यीशु मसीह एक समय पाप के लिए क्रूस पर गया है, ध्यान से समझो इसे, जैसे यीशु मसीह एक समय पाप के लिए क्रूस पर क्या किए दिए गए, तो पाप के लिए यीशु मसीह मर गए ना। तो सेम पौलुस कहता, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा मसीह मुझ में जीवित। जैसे संडे में मैंने इफिसियों 2:1 में आपको पढ़ाया कि उसने तुम में भी जवाया जो अपने पापों और अपराधों में क्या थे, मरे हुए थे। हमें कुछ नहीं पता था। बोलो क्या? हम मरे हुए थे, आत्मिक रूप में मरे हुए थे ना। शरीर में तो जिंदा थे पर आत्मिक रूप में क्या थे? मरे हुए थे। तो उसने तुम्हें भी जुवाया। क्या किया? कहता, मैं अब जीवित ना रहा मसीह मुझ में जीवित है। ध्यान से सुनो, अगर आप अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझोगे, क्या समझोगे? अगर आप अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझकर, जैसे मान लो मैं हूं, ध्यान से इस बात को समझो। मान लो एक माँ का बच्चा नशा करता, एक टीवी का पति नशा करता, एक औरत के बॉडी में, उसके शरीर में बीमारी है, बोलो क्या है? उसके घर में क्लेश है और उस पर कर्जा है। हाँ, उसके पास बिजनेस नहीं, काम नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मान लो वो बंदा मर गया, बोलो क्या है? तो जो कर्जा है मरे हुए व्यक्ति पर, वो कर्जे की, पाप की वो चीज क्या करेगी? प्रभुता करेगी। बीमारी फिर जो मरे हुआ जो व्यक्ति मर गया, बोलो क्या? मान लो मैं हूं, मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो क्या है? अब मैं जीवित हूं, मतलब शरीर में जीवित हूं। अब जो मुझे प्रॉब्लम है मेरे पेट में, कहीं पर भी लगा लो, क्या लगा लो, तो अब मैं जीवित हूं तो मुझे तंग कर रही है। क्या कर रही है? मुझे तंग कर रही है। कितनों को समझ आ रही? वो मुझे तंग कर रही है। एक माँ का बेटा नशा करता, वो उसे वो जो पाप की प्रभुता उसे दबा रही है। क्या कर रही है? एक टीवी का पति नशा कर रहा, वो दबा रही है। एक बीमारी उसे दबा रही है। पर कहता, मैं जीवित ना रहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जीवित ना रहा मसीह मुझ में जीवित। क्या है? मसीह मुझ में जीवित। तो अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझना, क्योंकि मैं पाप के लिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए तो साथ में हम भी आत्मिक रूप में, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए तो हम भी उसके साथ मर गए।
अब हम मर गए, जैसे पौलुस कहता है मैं जीवित न रहा मसीह में, अगर आप मर गए हो तो शैतान का, बीमारी का, दुष्ट आत्मा का, किसी भी चीज का कैसे आपके ऊपर प्रभाव रहेगा बताओ मुझे। अरे ये बहुत बड़ी बातें जो आप सीख रहे हो, आमीन। अब कैसे रहेगा मुझे बताओ, बताओ मुझे, जो चीज आपको दबा रही है, दबा रही है, बोलो क्या दबा रही है, तो आप अब उस चीज के लिए मरा हुआ समझना है। बोलो क्या समझना, अपने आप को मरा हुआ, मरा। कितनों को समझ आ रही है, ये थोड़ी डीप बातें हैं, डूंगी हैं, समझ आ रही ना। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, क्या होती, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ है। अगर व्यवस्था, मतलब व्यवस्था एक पाप को दर्शाती है, बोलो क्या दर्शाती है, पाप को, क्योंकि व्यवस्था ना आती तो हमें पाप की पहचान ना पता होता कि पाप क्या है, समझ आ रही ना। तो उसको ध्यान से समझो, मैं फिर से पढ़ता हूं, तो क्या लिखा यहां पे, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अगर व्यवस्था के द्वारा ये धार्मिकता होती, हाँ समझे, अगर आपको जीवन के दुखों से छुटकारा ना मिलना होता तो यीशु मसीह का मरना और आपका विश्वास करना व्यर्थ था। कितनों को समझ आ रही, बोलो। कहता है मैं उस सांस से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब मैं जीवित ना रहा, क्या ना रहा, मैं अब जीवित ना रहा, मैं जीवित हूं तो केवल उस सांस से जीवित हूं जो उसके पुत्र पर है। हमें क्या हूं, मैं उस सांस से जीवित हूं, बस समझ हूं। अगर ये धार्मिकता उस व्यवस्था से होती तो फिर यीशु मसीह का मरना व्यर्थ हो, समझ आ रही ना, क्योंकि ये धार्मिकता धर्म नहीं, ये धार्मिकता मसीह के क्रूस से हमें ये मिली, समझ आ रही है, हमें मसीह के क्रूस के साथ हमें छुटकारा मिला है, समझ। अगर आपको चंगियाई मिले ना, छुटकारा मिले ना, जो चीज आप चाहते हो, तो फिर यीशु का मरना व्यर्थ है और आपका विश्वास करना व्यर्थ है। क्या आपका विश्वास करना व्यर्थ है, व्यर्थ है, पर व्यर्थ नहीं है। इसलिए पौलुस कहता मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित, मैं जीवित ना रहा, मसीह के साथ मर गया। तो आपने सेम ऐसे पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझना, ठीक है, समझ आई है, बोलो क्या है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से फुली ग्रेस चाहते हो तो अपने किसकी परिपूर्णता में परिपूर्ण होते जाना है, बोलो क्या है। देखा हमने उसकी परिपूर्णता में से प्राप्त किया कि अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि हम पर अनुग्रह हुआ, क्या हुआ हम पर, एक बड़ा अनुग्रह, एक बड़ी कृपा हुई है मसीह के द्वारा। लिखा उन अधिकारियों पर जो प्रधानों और उन अधिकारियों पर, अब परमेश्वर का ज्ञान विभिन्न प्रकार का ज्ञान कलीसिया के द्वारा आपके द्वारा शैतान पर क्या किया जाए, प्रकट किया जाए, क्या किया जाए, वो शैतान पर प्रकट किया जाए। अरे सुनो, जब 5 साल का बच्चा भी, 10 साल का बच्चा भी ये बात को समझ आता है, मैंने गवाहियां सुनी लोगों की, 10-10 साल के बच्चों की, 12-12 साल, वो ऐसे गवाही दे रहे, मुझे सांप ने काट लिया, सुनो ध्यान से, मुझे सांप ने काट लिया,
यीशु मसीह का धन्यवाद हो, मुझे आज 4 दिन हो गए हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे लोग ऐसे भी कैसे देखते, आपने कर लिया 4 दिन हो गए, मैं कहते मैंने डांटा यीशु मसीह के नाम से। देखो उसने अपने अधिकार को समझ लिया, मुझे 4 दिनों के सांप ने काट लिया, मैंने यीशु मसीह के नाम से डांटा, क्योंकि वो अधिकार को समझ के, अपने विश्वास को समझ के, जो पौलुस कहता है मैं जीवित ना रहा, अब मसीह मुझ में जीवित में, उसके साथ क्रूस पर मर गया। अब मरे हुए व्यक्ति को सांप लड़ जाए तो उसको उसके जहर का असर करेगा, बोलो करेगा असर, करेगा असर, समझ आ रही है, असर नहीं करेगा, बोलो क्या है, वो असर नहीं करेगा। मरे हुए व्यक्ति को सांप डस दे तो उसे असर करेगा। जो लोग मसीह में पाप के लिए अपने को मरा हुआ समझते हैं और अपने अधिकार को समझ चुके हैं, तो उसने पाप के लिए मरा समझा और अपने अधिकार को समझा, यीशु मसीह के नाम से ए सांप राजर कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस, कैंसल कर। वो गवाही दे रहे, चार जिस दिन मैंने सुनी है गवाही, मुझे 4 दिन हो गए सांप ने काटा, मैंने यीशु मसीह के नाम से कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अधिकार को समझ। अगर और किसी बंदे को 10 साल से 30 साल से पर उसने अधिकार को नहीं समझा तो पता नहीं वो क्या क्या करेगा, कहां पर दौड़ेगा। ये सत्य और अधिकार है, ये सच्चाई है जिसको अपने समझना है और अपने जीवन से क्या करना है, प्रकट करना, क्या करना अपने जीवन से। ये बड़ा भेद है लिखा, जो उस सृजनहार परमेश्वर से आदि में गुप्त था, बोलो क्या था ये भेद, गुप्त था, गुप्त था, पर अब क्या प्रकट है। लिखा मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, क्या निकले, मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। परमेश्वर सच्चा है जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में आपको बुलाया, झूठा नहीं है, बोलो क्या है, उसने झूठ मूठ नहीं बुलाया, ऐसे फोकट में फ्री में नहीं बुलाया, वो सच्चा है जिसने आपको बुलाया। पर अगर आपने उसके पुत्र यीशु मसीह की संगति में जिसने आपको बुलाया है, आपने उसकी संगति को, आपकी बुलाहट को आपने नहीं समझा तो कुछ नहीं होगा, बोलो क्या, कुछ नहीं होगा। अब सारी उम्र फिर ऐसे रोते रहो, जी यह हो गया वो हो गया, मेरी जान ही रही, हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर समझ आए, 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, वो अपने अधिकार को समझता है, इस सच्चाई को जानता है, जो समझ चुका है वो कर रहा है उसके, तो जो नहीं जानता वो ऐसा है। कितनों को समझ आए, अपने हाथों को उठाओ, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और इन बातों को अंगीकार करो, अंगीकार करो इन बातों का जो आपने आज सीखी और समझी है। मेरा विश्वास है कि खुदावन इन वचनों से आपको बढ़ाएगा और आने वाले दिनों में, मैंने कहा आने वाले दिनों में, आप परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को, बड़े बड़े कामों को अपने जीवन से प्रकट होते हुए देखोगे।